गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे VS एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज राइट एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड अच्छा लगे, आपको लगे कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था तो पहले लाइक करें एंड शेयर भी करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में। बैंकिंग का कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे IBPS का हो, चाहे SBI का हो राइट, कोई भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हो, चाहे SSC, CGLC, HSLS, रेलवे, NTPC या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की भी अगर तैयारी करते हैं तो माय डियर एस्पिरेंट्स, करंट अफेयर के रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियोज जरूर देखा करिए राइट। इसमें बैंकिंग गवर्नेंस, स्टैटिक GK, डेली बेस पर इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, सभी टाइप के न्यूज, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक तरह से रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं GK को राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी के लिए एक PDF बनाया है जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस अप्रैल मंथ के, यानी कि अप्रैल मंथ जो लास्ट मंथ गया है 2021 का, उसके टॉप 100 क्वेश्चंस इसमें मैंने दिए हैं राइट। इसमें आपको बुक बेस पर भी मिलेंगे, कौन कौन सी अप्रैल मंथ में बुक रिलीज हुई है, कौन कौन सा डेज इंपॉर्टेंट है अप्रैल मंथ में, ये सभी कुछ इस PDF में अवेलेबल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर PDF कहाँ से डाउनलोड होगा? तो PDF के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में गिवन है, वहां से भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है अप्रैल मंथ का, इसमें आपको अगर आपको जनवरी मंथ का चाहिए तो वह भी मिलेगा, फरवरी मंथ का चाहिए तो वह भी मिलेगा, मार्च का चाहिए तो वह भी PDF आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन, यानी कि किन किन व्यक्तियों का नियुक्ति हुई है या किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ है, इन सभी का अप्रैल मंथ में एक संपूर्ण एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है राइट। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इन वीडियो को स्किप मत करिएगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा राइट। एक बार देखिएगा, कंटेंट पे जाइएगा, एग्जाम्स में मेरे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे राइट। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ये अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन से अप्रैल मंथ के, और ये आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है अप्रैल मंथ में, एक साथ ये अप्रैल मंथ की सभी बुक्स हैं, किन कौन कौन सी बुक रिलीज की गई है, इन सभी का एक साथ, एंड देन अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज राइट, प्लस उसकी थीम क्या है, यह सभी कुछ मैंने इस वीडियो में अपलोड किया है। तो ओके, तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अच्छा कंटेंट है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मैंने दे रखे हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये मैंने कल होमवर्क क्वेश्चंस दिया था आप सभी को, हु वन द 2021 स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स राइट। स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स यानी कि स्पैनिश 2021 किस व्यक्ति ने जीता है, यह क्वेश्चन सर। तो वह जीता है लेविस हैमिल्टन राइट, लेविस हैमिल्टन है, उन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब का टाइटल सर जो जीत लिया है। ओके, लेविस हैमिल्टन, नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट आज का डे है. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज माय डियर फ्रेंड्स इंटरनेशनल फैमिली डे. अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जिसको हिंदी में अपन कह सकते हैं वह बनाते हैं 15 मई को. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंट में बहुत बार न्यूज में रहा था तो एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बनेगा. तो इंटरनेशनल फैमिली डे जो कि आपके 15 मई को बनाया जाता है. अभी तक अपन ने 1 मई से 15 मई तक कौन कौन से डेज पढ़े हैं एक बार मैं ब्रीफ में आपके साथ रिविजन्स करवा देता हूँ. 1 मई को अपन ने पढ़ा था, इनको नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर्स डे जिसको हिंदी में कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, 1 मई को. फिर आता है 2 मई, वर्ल्ड लाफ्टर डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे जो कि आपके 2 मई को बनाया जाता है. फिर आता है 3 मई को, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो कि आपके 3 मई को बनाया जाता है. 3 मई को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. ओके, फिर आता है 4 मई यानी कि 4 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, राइट, वर्ल्ड अस्थमा डे जो 4 मई को आपकी बनाया जाता है. फिर आता है आपकी 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो कि आपकी 7 मई को बनाते हैं, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट आता है 9th मंथ को, 9th मई को, राइट, 9th मई को मदर्स डे, मदर्स डे के रूप में अपन बनाते हैं 9th मई को, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी. ओके, फिर आता है 12th मई को, यानी कि 12 मई को, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में, राइट, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में. एंड यहाँ पर एक और डे दिवस बनाते हैं 11th मई को, दैट इज द टेक्नोलॉजी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि ये चर्चा में रहता है, क्वेश्चंस पूछता है तो याद रखिएगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि आपको बनाते हैं 11 मई को. ओके, 11th मई को, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे. एंड देन अगेन फिर आपके आता है दैट इज द 15th मई, 15th मई, ओके, 15th मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में बनाया जाता है. तो प्लीज इन डेज को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर देख लीजिएगा. बाकी अगर आपको अप्रैल मंथ का चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है, तो उनको भी आप एक बार जरूर वॉच करिएगा. नाउ लेट्स कम टू द न्यूज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर माली माई डियर एस्पिरेंट्स, दैट इज द ऑली री अपॉइंटेड नेपाल पीएम. अगेन माई डियर एस्पिरेंट्स, आपकी केपी शर्मा ओली हैं जो कि आपकी दोबारा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हो गए हैं, राइट. कुछ ही दिनों पहले इनका रेजिग्नेशन हुआ था, बट उसके बाद जो रेजिग्नेशन से इन्होंने फ्लॉर टेस्ट में अपनी जो बहुमत का आंकड़ा है वह पार नहीं कर पाए थे, राइट. तो उसके बाद जो वहाँ की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन से उनको एक तरह से कहा गया कि आप इतने टाइम में पूरा का पूरा फ्लॉर टेस्ट, पूरा का पूरा बहुमत साबित करिए, तभी आप गवर्नमेंट में बना पाओगे. ओके, तो डेफिनेटली साबित नहीं कर पाए. एंड देंस अगेन वापस केपी शर्मा ओली जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे, अभी भी यह प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकंड इज नेपाल के बारे में भी जानना आवश्यक है क्योंकि रिसेंट में न्यूज है. स्टैटिक का क्वेश्चन बनाएगा तो यही सही बन सकता है. नेपाल के जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स रिसेंट में केपी शर्मा ओली हैं, विद्या देवी भंडारी, आप सभी ने नाम सुना होगा, विद्या देवी भंडारी हैं जो कि नेपाल की एज अ राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार देती है. ओके, राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी. ओके, नेपाल की कैपिटल्स होगी माय डियर एस्पिरेंट्स काठमांडू,
काठमांडू इज द कैपिटल्स ऑफ नेपाल. ओके, दोबारा रिपीट कर देता हूँ. केपी शर्मा ओली जो कि अगेन वापस री अपॉइंटेड हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में. राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी एंड नेपाल की कैपिटल से काठमांडू. ओके, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट माय डियर स्प्रिंग्स, असम रिसेंट में जो गवर्नमेंट बनी है, असम में बीजेपी की गवर्नमेंट, उसके बाद जो दायित्व हैं, उसके बाद जो पदभार हैं, यानी कि जो कैबिनेट रहेगी आपकी स्टेट लेवल की, राइट, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, राइट. तो फर्स्ट टाइम माय डियर स्प्रिंग्स असम में ऐसा हुआ है कि अजंता नियो, राइट, जो कि पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुई है. स्टेट की पहली महिला, फर्स्ट महिला फाइनेंस मिनिस्ट्री में नियुक्त हुई है, राइट. एक तरह से कह सकते हैं असम गवर्नमेंट में यह वित्त मंत्रालय का प्रभार देखेगी. इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि यह एक वित्त मंत्री के रूप में कार्य करेगी. वित्त मंत्री बनी है, पहली महिला है, तो मैंने इसको न्यूज में लिया है. अदरवाइज इतना कोई मोटो नहीं है, पूछे एग्जाम्स को तो ध्यान रखिएगा. रिसेंट में असम, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जहाँ पर पुडुचेरी में अन्न रंगा स्वामी आज चीफ मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा. ओके, पुडुचेरी. ओके, तो असम में माय डियर फ्रेंड्स रिसेंट में असम में आपकी दैट इज द हेमंत बिश्व शर्मा जो कि आपकी रिसेंट में चीफ मिनिस्टर बने हैं. सर्वानंद सोनोवाल जो कि चीफ मिनिस्टर अभी पहले ये चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद इलेक्शंस होने के बाद आपकी हेमंत बिश्व शर्मा है जो कि आपके रिसेंट में न्यू चीफ मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं. ओके, न्यू चीफ मिनिस्टर्स बने हैं हेमंत बिश्व शर्मा, ध्यान रखिएगा. ओके, ये 15वें चीफ मिनिस्टर्स हैं असम स्टेट के. ओके, 15वें स्टेट हैं असम के. गवर्नर हैं जगदीश मुखी इज द गवर्नर ऑफ असम एंड कंचनगंगा आपने सुना होगा एंड मानस आपने सुना होगा. ये सारे के सारे असम में ही स्थित है. मानस नेशनल पार्क, कंचनगंगा. ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस करते चलिएगा. नाउ नेक्स्ट, दैट इज द $3.92 बिलियन एडीबी लोन टू इंडिया. $3.92 बिलियन एक तरह से कह सकते हैं इतनी बड़ी अमाउंट का लोन सेंक्शन हुआ है इंडिया के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक. आप सभी को मालूम होना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $3.92 बिलियन रुपीज का एडीबी ने लोन दिया है. ओके, यहाँ पर पढ़ सकते हैं द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन फ्राइडे सेड इट हैज कमिटेड अ रिकॉर्ड $3.92 बिलियन इन सॉवरेन्स लोन्स फ्रॉम फॉर 13 प्रोजेक्ट्स टू इंडिया इन 2020, राइट. इसमें से 1.8 बिलियन, राइट, $1.8 बिलियन COVID-19 से रिलेटेड हैं. प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट पेंडेमिक रिस्पॉन्स एज पार्ट ऑफ द पेंडेमिक सपोर्ट टू इंडिया द मनीला बेस्ट मल्टीलैटरल एजेंसी सेट इट हैज प्रूव्ड प्रोवाइडेड एमरजेंसी असिस्टेंट टू कंटेन द डिजीज एंड एस्टेब्लिश सोशल प्रोटेक्शन मेजर फॉर रिलीफ ऑफ द टू द पुअर एंड अदर वल्नरेबल्स ग्रुप्स. यानी कि इसमें से लगभग आपकी $2 बिलियन तो सैंक्शंस एक तरह से किया गया है. $2 बिलियन का तो इंडिया के लिए कोविड 19 से लड़ने के लिए. बाकी ऑल ओवर जो एक रिमेनिंग जो पैसा है, राइट, वह आपकी जो एक तरह से अपने इंडिया में जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनकी मदद के लिए, राइट, जो अच्छे अच्छे उनको प्रोटेक्शंस दे सके, मेजर्स दे सके, उनको यह राशि प्रोवाइड की जाएगी स्कीम के माध्यम से. ओके, आपके लिए इम्पोर्टेंट $3.92 बिलियन किस बैंक ने, एडीबी बैंक ने,
किसको? इंडिया को। एशियंस डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, राइट? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। माशाशुतकु आसाकावा इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियंस डेवलपमेंट बैंक। एक अपने नाम सुना होगा अशोक लवासा, जो रिसेंट में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एशियंस डेवलपमेंट बैंक में काम करते हैं, जो कि एक इंडियंस कम्युनिटी से हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी। ओके, नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट है, दैट इज द ब्रिटानियंस गुंजन शाह टू जॉइन बाटा इंडिया सीईओ, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, बाटा के न्यू सीईओ बने हैं गुंजन शाह, जो कि पहले ब्रिटानिया में थे, राइट? ब्रिटानिया कंपनी आप सुना हो, आपने सभी ने सुना होगा, राइट? उसमें थे, अब यह बाटा कंपनी के इंडिया में सीईओ बन गए हैं। पहले माय डियर फ्रेंड्स, इनसे पहले संदीप कटारिया, सभी ने नाम सुना होगा, राइट? संदीप कटारिया आपके बाटा के सीईओ थे इंडिया में, अब उनको ग्लोबल परस्पेक्ट के अनुसार ग्लोबल सीईओ बना दिया है बाटा ने। ओके, तो इंडिया में किसको नियुक्त किया है? दैट इज द गुंजन शाह, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, पूछेगा पहले वाला भी कि इससे पहले सीईओ कौन थे, तो वह थे आपके संदीप कटारिया। नेक्स्ट, राम कुमार वर्मा अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू डीआर कांगो, राइट? राम कुमार वर्मा जो कि आपके कांगो, राइट, डीआर कांगो है, उनके एज एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसके लिए? राम कुमार वर्मा जी को एज एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, स्टार यूनियंस दाइची लाइफ अपॉइंटेड न्यू एमडी एंड सीईओ स्टार यूनियन, राइट? आप सभी ने नाम सुना होगा स्टार यूनियन, राइट? एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके नए एमडी के रूप में माय डियर फ्रेंड्स नए एमडी बने हैं, दैट इज द अभय तिवारी, राइट? अभय तिवारी है जो कि स्टार यूनियंस दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के न्यू एमडी एंड सीईओ बने गए हैं। ओके, क्लियर, समझ में आया आपको? तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, एक्टर पीसी जॉर्ज पास्ड अवे इन कोची, राइट? एक्टर पीसी जॉर्ज 74 हु अर्न्ड द अप्रिसिएशंस फॉर इज विलन कैरेक्टर डाइड इन कोची ऑन फ्राइडे, यानी कि यह एक एक्टर थे, मोस्टली भूमिका में एक विलन की भूमिका में रहते थे, याद रखिएगा। ओके, एक्टर पीसी जोर। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया आपको? तो प्लीज थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और अंत में आज का आपके लिए सवाल, That is the Homan Borgohain passed away recently. He was a renowned writer, right? Writer from. तो वह एक प्रसिद्ध किस भाषा के लेखक थे, राइट? होमन बोरगोहेन, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, तो वह किस एक पर्टिकुलर किस कहां से यह एक प्रसिद्ध लेखक थे? ओके, तो इसका सर्च कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, तो वीडियो को एंड अप करते हैं। अच्छा लगा वीडियो आपको तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, एंड चैनल्स पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ओके, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, राइट? जय हिंद।
जय भारत।